अहमद साहब एग्जेक्टिव शेफ़ वो एक नई रेसिपी शेयर करेंगे और आज की रेसिपी जो है वो वो है जो अक्सर घरों में बनती है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं आम दिनों में भी खाली माहिर से आम में नहीं और वो कचनार गोश्त है और इससे पहले टी वी पर नहीं बनी आज तौकी भाई आप आगे मैं वालेकुम क्या हाल है ठीक ठाक है तो अभी प्रोग्राम के शुरू में मेरे ख्याल में रेसिपी शेयर करते हैं और बताते हैं कि आपको कि किस तरह से तैयार होती है ताकि अगर आपने तैयार करनी तो आप भी करें जी तो भाई ओवर टू यू जी <coughs> आज हम जैसे मैंने कहा कि बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है और लाहौर में तो लोग दीवाने इस इस डिश के अच्छा वहाँ पे ये करेले गोश्त है या ये कचनार गोश्त ये दो चीज़ें उनकी फेवरेट चीज़ है कश्मीरी लोगों की जो कचनार होती है वो एक फ्लावरी प्लांट होता है ना जिसके फ्लावरी प्लांट, प्लांट आपने से पहले पिक करना है ओके ये देखें ना ये मैं अपनी ये देखें ये अगर आप इसको छोड़ देंगे ना अंडर द्री टू फोर डेज ये ब्लूम कर जाएगा ये बड़ा खूबसूरत फूल बनेगा ठीक है ठीक है इसीलिए इसको कहते हैं ऑर्चिड ट्री अगर आप देखे ना ये चाइना से लेकर ना जी तो इंडिया तक ये सारा इसमें ना ये 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 फूल बनते हैं ठीक है लेकिन ठीक ये है ले दालों की फैमिली से ये है। बनता है ये ठीक है। तो इसलिए ये आज बनाएंगे हम लोग गोश्त को हमने पहले मसालों में हमने इसको बेक करना गोश्त को भूनना बाद में ओके okay, वो कैसे ये बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों को पता और जब आपका मीट बन जाए तो उसको फिर आपने एटी परसेंट बने हुए मीट को अलग करना है फिर आपने सौते करना है इसको कचनार को कचनार को सौते ऐसे करना है क्या ये ब्राउन हो जैसे गोल्डन लाइट ब्राउन ही होता जब वो उस शक्ल में आएगा तो फिर आपने इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको दम पे लगाना है ये दो तीन स्टेप्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घरों में जब ये लोग सुनते हैं हमारा शो तो जैसे कल का शो था तो जल्दी जल्दी हम करके निकल गए तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो लोग मुझे मेरे मीडिया पे मुझसे मुझे पूछते हैं हैं तो बताते जो गोश्त बेक, उसको उसको हम... बेक छोड़ दे दम लगा दे। उसको हम साथ आखिर में मिलाकर फिर दम लगाएंगे फिर जब हम इसको इसको हम करेंगे ना थोड़ा सा सौते करेंगे सौते करने के बाद फिर मैं जो जो मीट मैंने पहले पका लिया था यू कह लेके okay. मैंने इसको दम पे रखा हुआ था ठीक है। हम उसको लेंगे फिर हम दोनों को इकट्ठा करके हल्का सा मिक्स करके ठीक फिर दोबारा हम इसको दम पे लगाएंगे ओके okay. तो ये ये यू कह लें कि ये एक घंटे की ना अगर आप अपना एक घंटा दें क्योंकि दम लगाने पे आपको चाहिए तकरीबन कोई 50 मिनट ठीक है अच्छे अच्छा मीट लें और मीट बोटी छोटी रखें और उसके बाद फिर ये कि जब ये बिल्कुल आपको पता चले ना कि ये ये नर्म है फिर इसको निकालना अच्छा और च्छो। भूनना आपने देसी घी में है या इसमें मक्खन में इसको भूनना है और जो मीट है जो हमारा वो कीमा है हाँ, वो हम मटन मटन रखें जी जी चिकन वगैरह में हम बना सकते हैं बीफ में नहीं बीफ में नहीं हालांकि कुछ जगह हैं जहाँ पे इसको बीफ में भी ले जाते हैं और इसको जो है ना जब हमने इसको सोते करना है तो फिर आपने यूज करना है ऑयल ठीक है ये बड़ी शाही किस्म की आप इसको समझने की बड़ी खूबसूरत किस्म की चीज है मुझे तो इस चीज का हो रहा है कि आज, आज आपने इससे पहले मुगलाई या कुछ ऐसी चीज नहीं लगाई मुगलाई कचनार हालांकि मैंने चाइना जिक्र कर दिया था चाइना का जिक्र मुगल वहां से आए थे हमारे पास चीनी चीनी कचनार गोश्त हाँ चीनी कचनार गोश्त <laughs> चीनी कचनार गोश्त जो कि बहुत टेक्निकल है अगर आप उसके बारे में सोचेंगे चीनी ठीक है फारूकी कचनार गोश्त चले तो, तो इस तरह से हम बनाएंगे तो जैसे से आपका शो चलता रहेगा तो फिर आप 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 मुकम्मल करेंगे फिर डिश और मैं पहले कीमा कह रही थी मिस्टेक ये हमने गोश्त के साथ बनाया है और ये कचनार जो है ना ये हमारे रेस्टोरेंट के अंदर लगे हुए दृश्य से हमने उतारे जी ऑर्गेनिक बिल्कुल हमने खुद उतारे उतार के ला के ये बनाए हैं और मैंने जैसे पहले कहा था कि बड़ी शाही किसी जिसको अंग्रेजी में रॉयल डिश तो ये जो हमारी मुगलाई फारूक की डिशेज होती हैं उसमें से ये एक बड़ी टॉप डिश है ठीक और इसका जो न्यूट्रिशन वो अगर आप गूगल करें इसको ऑर्च ट्री को और देखें ये जैसे मैंने कहा था दालों की फैमिली से है और घर में पकाने के बाद अगर ये दालों की

कचनार वगैरह ये बिल्कुल जो है ना उनकी बर्ड्स छोटा फूल बनने से दो दिन पहले उतारे अच्छा मैंने सुना है कि कभी कचनार का जो कचनार होती है वो कड़वी भी हो जाती है आ, उसलिए भी होती है, है कि अगर आप उसको सोते ज्यादा कर दें हल्का सा उसको बटर ज्यादा लगा दें तो ये चीजें उसको कॉज करती है कि जो उसकी न्यूट्रिशन है ना जब वो खत्म होती है ना तो उसमें से कड़वाहट बाहर आती है उसकी। तो हमें उसको ज्यादा नहीं करना हाँ चाहिए। बिल्कुल हल्का सा हकाने सौते करना इसको। ठीक है। सौते करने के बाद फिर ये आपने इन दोनों को मिक्स करके दम पे लगा के जैसे हमने किया निकाला और उसके बाद हमने इसको जो है ना लेकिन इसके साथ आप रुमाली रोटी भी ले सकते हैं ठीक है जिसे हम तवे की रोटी बोलते हैं वो बहुत मजेदार है और ज्यादातर लोग जो खाते हैं बाजार में वो इसको जो नान है ना वो नान कुलचा इसके साथ तंदूरी पराठा जी। ये चीजें हैं जिससे हम तो ये अभी एफ्तारी में हम तो ये खा जी जी को तो ऑब्वियसली के के आप भी घर में <laughs> जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें थैंक यूर भाई बहुत शुक्रिया आपका आज की रेसिपी शेयर करने का